देखो जी, आज मैं अपने बचपन के मजेदार दोस्त के साथ जा रहा हूँ, बिल्कुल नवे नवे मजेदार दोस्त से मिलने के लिए। अरुण सूद और मिस्टर सुकुमार सिंह पहली बार मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी टिप्स लेनी है उनसे कि भाई, क्योंकि वो तो बारिश आदमी है। अगर नॉर्थ की बात करें, कश्मीर ले लद्दाख की, चप्पे चप्पे का उनको पता है, क्योंकि हमने वो ट्रिप शुरू करनी है, तो इसीलिए उनके पास गपशप चलेगी। और मैं बृंदा से आज तक भी नहीं मिला, तो बृंदा शर्मा से भी मिलने वाले हैं पहली बार। दो बाबू जी हिंदुस्तान के वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना, टॉप रेनाउंड इंस्टाग्रामर्स, उनके अंदर इनका शुमार होता है ट्रैवल इंस्टाग्रामर्स के अंदर, तो आज आपको मिलाते हैं। नहीं, एक तो अपने सूद साहब हैं, दूसरी बृंदा मैडम जो उनकी गर्लफ्रेंड कह लो, बृंदा शर्मा जी। हाँ, शर्मा है। नहीं, आप ही ने तो बोला बृंदा शर्मा। मैंने बोला, हाँ तो फिर शर्मा ही होंगी यार। पहले चेक कर लो यार, एक बार से मिलने जा रहे हैं यार, पता तो हो भाई। चलो, कल को तो सूद होना ही है। चलो, ये नया एपिसोड है ना मोहित भाई। हाँ, आई एम बैक। आयशाबाश। हाँ जी सर। हाँ जी सर, जगह जो बताइए सूद साहब ने। हाँ जी, कोजी बॉक्स करके उसका नाम है। कोजी बॉक्स। हाँ जी, हायत के सामने। मुझे लग रहा कोई उन्होंने बुलाया, हो सकता है सेमी फैंसी काइंड ऑफ जगह होगी, पता नहीं सर। कोजी क्या बताया, कोजी बॉक्स। हाँ, साउथ एक्स दोबारा से ठीक हो गया, बीच में थोड़ा ठंडा हो गया था। ठंडा हो गया था एक्चुअली यार, दो साल तो कोविड ही रहा था। तो जैसे जब कोविड के बाद में यहाँ से निकलता था ना, ठंडा रहता था। अच्छा, अब थोड़ा जगमगाने लग गए हैं सारे महंगे महंगे यहाँ से, ये कपड़े कुपड़ों के और ये शादियों के ज्वेलर्स और डिजाइनर कपड़ों के भी सारे यही है ना। जिन जमानों में कॉलेज जाया करता था, उस टाइम बड़ी टूर होती थी साउथ एक्स के। साउथ एक्स बैठे हैं, ऑलमोस्ट कह रहे हैं साउथ एक्स लाउंज में बैठे हैं, लेकिन चेंज होता रहता सब। एक टाइम पे खान मार्केट बड़ी टूर थी, वो भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब ये कुतुब के पास वाला एरिया नया चला है, कुछ कह रहे हैं आप। यहाँ पे ना सारी ज्वेलरी शॉप्स बहुत आ गई हैं, बहुत ज्यादा आ गई हैं। अच्छा जी, सर मैं इतनी देर से आपकी गाड़ी में बैठा हूँ। Very much. ओ मनोज जी, आप आगे आगे चलो। हैं? क्यों? आपको घबराहट होती है? नहीं, घबराहट होने की बात नहीं है, आप लेके आए हो ना, आप जानते हैं। सर जी, आप पहले आए हो इस जगह? नहीं सर, मैं पहली बार आया हूँ सर। भीकाजी का प्लेस, हायत होटल दिल्ली का बड़ा फेमस, उसके ठीक सामने का एरिया रिंग रोड पे। फर्स्ट टाइम आया, नया बना है। तो आगे जाके है मनोज जी। ओ, इसके पीछे नहीं था, हायत के पीछे पासपोर्ट बनते हैं यहाँ पे, मुझे इसका नाम याद है। कामा पैलेस आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड। ओके, मैं तो पासपोर्ट यहाँ बना था। आप भी ब्लॉग कर रहे हैं, मैं तो ब्लॉग किया ही नहीं यार। बजाय मेरे को तो आज मूड ऑफ लग रहा है तेरी बातों से। पहले ये समझाओ, गुलाबी सी जो पी रहे हो आप, ये है कोकम टकीला और दो तीन चीजें और थी इसमें। अच्छा, वन मोर थिंग इट, वन मोर। पहले मुझे लगा चूज करनी है, फिर देखा सब कुछ है इसमें। सेंटर में आकर से पहले बोला, आई हैव दिस थिंग। यू ऑर्डर, नो यू ऑर्डर मी समथिंग लास्ट टाइम, इट वाज रियली गुड इन लंदन। ओह या, ये तो बातचीत शुरू हुई है, सवाल ही सुनो कुछ आप करते हैं क्या हो। आप पास इंजीनियर है, मुझे नहीं पता था बृंदा इज ऑल्सो एन इंजीनियर एंड बायोटेक्नोलॉजी। और आप सर? मैं ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल। ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल, क्या बात है। कितने एम एम होते हैं? 12। सही है, बचपन वाली है। आलू भारी की एक किलो रोई। आप बताओ,
ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब इनकी शादी हुई ना तो उनको बोला बार बार ये टॉपिक कुछ है। अच्छा ठीक डिप्लोमा जिसका एक छोटा सा हिस्सा कनाडा में था। कितना एक साल लगाया था, एक साल वापस आ गया था क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक लग गई थी, कनाडा में स्ट्राइक लग गई थी। पहली बार हिस्ट्री में 100 साल में टीचरों ने स्ट्राइक कर दी। पेपर ही नहीं हुए, कनाडा में स्ट्राइक करा के आ गया। चलो सैंड्रा नहीं है तो हम हिंदी में, हिंदी में इतनी बात कर पा रहे हैं, टाइम यूटिलाइज हो गया, वरना इंग्लिश में ये सारी बातें बोलने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अरे सर इनू लाल नू मूला हो हां, उसका फ्लेवर आना चाहिए लाल लाल। अब करो करो आई तेरी की चला है, अब ज्यादा स्वाद फर्क पता लगा। अच्छा रिपीट आई है, बहुत तेरे अच्छा है, अच्छी है, ड्रिंक्स अच्छी बनाई है। Like it here? Yeah, the drink are really good. What is yours? It's a fancy name, but it's with rum. I will tell you. Oh, it's not the red meat. Red carpet. Red carpet. कोई बाहर से देखेगा इतने कैमरे यहाँ पे, मैं कोई बाहर से देखेगा सोचेगा क्या हो रहा है। जी अपने तो दिल से बना के दे दो हमारे शेफ साहब को। अच्छा पूछने के लिए थैंक यू। तो तीन स्टार्टर, दो पांच स्टार्टर की बात हुई थी, 10-20 स्टार्टर आ गए, पता नहीं कितने लोग ने खा चुके हैं, बाकी भी और पड़े बहुत सारे स्टार्टर। मोमो वर डिलीशियस, अलग ही आइटम है ये भाई। दो तीन चार पाँच सारे के सारे कैमरे निकाल के बैठा हुआ है, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, मेरे को लग रहा है मैं भी निकाल लेता हूँ। सरदार जी अपने लिए ड्रिंक बनवाने खुद आए हैं, बाकी तीन लोगों की तीन सेम ही ड्रिंक बन रही है, उनको ये बड़ी पसंद आई है, सैंड्रा अनुनय और वृंदा तीनों की। ये इन दोनों को बैठ के डिस्कस करते हुए आधा पौना एक घंटा हो गया और देख ही नहीं रही है अंदर, इतनी सीरियसली सिंसियरली लगी हुई है दोनों, है ना, लेके तो नहीं जाना है। यार सही में लेडी ऐसी मिल जाए ना, साथ देने वाली, हेल्प करने वाली, पूरी जिंदगी फर्क पड़ जाता है। हाँ बहुत अच्छा सुख है, सारे काम हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। अभी तारीफ हो रही है आपकी भी, सारे काम मिलते भाई वीजा के हैं। ओ यार मेरी बीवी है, अरे वाह वाह वाह। हाँ जी मनोचा जी, अरे बहुत बढ़िया बनवा रहे हैं। सर क्या डाला है इसके अंदर, ग्रेगूस डाली है, चलो थैंक यू भाई, सॉरी आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, गाड़ियां लाइन में खड़ी नहीं, मैं आऊंगा फरीदाबाद अगर मेरे को आप अलाउ करोगे। फरीदाबाद, फरीदाबाद हम तो खुद जा रहे हैं फरीदाबाद से परसों, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। चलो ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत जा रही है जी वृंदा की गाड़ी, सरदार जी बेल्ट शर्ट लगा के चल पे रहे हैं। सरदार जी मजा आया, बहुत अच्छा लगा, है ना, मजा आया, बंदा बहुत बढ़िया, मैं इसे पहली बार मिला, मेरे को लग रही है पहली बार मिला उसे, बड़ा बहुत जबरदस्त। अरे सर जी कह रहे हैं ये हमें जाते जाते मिल के, कह रहे हैं आधे घंटे से वेट करते हैं आपकी स्टोरी देख के। लाइट जला दो सर, लाइट जला दो, हाँ लाइट जला दो ना, फोटो भी खींचनी होगी भाई।
मैं कहा भाई जी फोटो लेने ऐसे नहीं आना अच्छा जी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आज तक हम अच्छे नहीं आए सर यूट्यूबर का और को देखता हूँ लेकिन आपके लिए जो फीलिंग है ना किसी और के लिए नहीं है मेरा थैंक यू सो मच भाई थैंक यू थैंक यू मैं भी अच्छा आना चाहूँ थैंक यू सो मच सर मेरे को ये तो आप तो रहते हो नहीं इंडिया आज आए हो तो मैं मिलूं अब भगवान की मर्जी रही बीवी का वीजा लगा तो इंडिया रहेंगे हाँ बिल्कुल कर लो जाओ हेलो सेंटर मैम व्हाट्स आई एम कमिंग आउट आई एम कमिंग आउट मेरे भाई का फोन आ गया कि आप मिले नहीं मिला हेलो सर हेलो थैंक यू सेम टू यू ओए 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 ध्यान से जाना है बेबी आपका स्कूल है कल नहीं जाऊं पर आपका तो स्कूल है कल नहीं जाऊं ओहो जाना पड़ेगा बेबी प्लीज कल आएंगे चाचू मिलने आपसे फिर से ठीक है पहले आप स्कूल आओ कल आ जाओ मेरे घर ही से कम टू माय हाउस टुमारो टुमारो कल आएंगे बेटा शी आस्क्ड मी टू स्टे ओवर आई नो कल आएंगे चलो ठीक है सर अच्छा जा रहे हैं चाचू जा रहे हैं चलो ओके गुड नाइट कल आएंगे प्रभु कल पक्का प्रॉमिस ओहो